नमस्ते बच्चों, आज हम रसखान जी की कविता सवैये पढ़ेंगे। सबसे पहले रसखान जी का जीवन परिचय, उसके बारे में जान लेते हैं। कृष्ण भक्त कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने उनको शिष्य बना लिया। कहा जाता है बच्चों कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से वे ब्रजभूमि में ही बस गए। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास हुई थी। उनकी रचनाएं बच्चों, उनकी दो ही रचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली है प्रेम वाटिका और दूसरी सुजान रसखान। और उनकी जो रचनाओं का जो संग्रह है वह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। अब उनकी भाषा शैली, रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है जिसमें सरलता, सरसता तथा मधुरता का गुण विद्यमान है। वे दोहा, कवित तथा सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं। परंतु बच्चों, उनके जो सवैये हैं वो बहुत ही अनुपम, बहुत ही अद्वितीय हैं। हाँ बच्चों, जो हमारी जो कविता है सवैये, उसमें मतलब सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों कि सवैया छंद क्या होता है। यह एक वर्णिक छंद है जिसमें कविता की प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। और हमारी जो ये प्रस्तुत कविता है ये भक्ति काल की कविता है, क्योंकि रसखान जी जो थे वो भक्तिकालीन कवि थे। अब बच्चों, हम पहले सवैये का सस्वर वाचन करेंगे, आप ध्यान से सुनिए। मानुष हो तो वही रसखानी बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरू, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हों तो बसेरो करों, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। हाँ बच्चों, ये ब्रज भाषा में है तो इसलिए इसका थोड़ा सा आप उच्चारण पर ध्यान देंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जान लो बच्चों। मानुष मनुष्य, बसों बसूं या रहूं, ग्वारन ग्वाल बाल उसके संगी साथी, कहा बस अर्थात किसी के वश में नहीं होना, चरों चरना गायों के बीच में चरना, नित हमेशा, मंझारन मध्य में या बीच में, पाहन पत्थर और गिरी पर्वत, पुरंदर इंद्र, धारण धारण किया, खग पक्षी, धेनु गाय, बसेरो निवास करूं, कालंदी यमुना नदी, कूल किनारा, कदम एक वृक्ष जो कि यमुना के किनारे पर है, और डारन शाखाएं। इस सवैये में कवि रसखान जी अपने अगले जन्म में भी श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के आसपास रहने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। हाँ बच्चों, इसका भावा जान लो अब। मानुष हो तो वही रसखानी बसो। कवि रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो वो हर कहते मुझे कोई भी योनि मिले लेकिन मैं हमेशा श्री कृष्ण जी के पास ही रहना चाहता हूँ। तो रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही
बसना चाहूँगा। जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु बना तो इस पर मेरा कोई वश तो नहीं है, अर्थात ये मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे कौन सी योनि प्राप्त होती है, पर मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहूँगा। उसके बाद कवि कह रहे हैं, पाहन हों तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि पाहन मतलब पत्थर, पत्थर ही बनना पड़ा तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था। अर्थात आपको पता है बच्चों वर्षा के देवता कौन है, इंद्र। तो इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत था उसे अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो इसीलिए रसखान जी कहते हैं कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। उसके बाद कवि कह रहे हैं, जौ खग हों तो बसेरो करूँ, मिली कालंदी कूल कदम की डारम। यदि मुझे पक्षी बनना पड़ा तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा करना चाहूँगा जो कालंदी कूल, कूल किनारा हुआ कालंदी यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रासलीला रचाया करते थे। इसमें बच्चों अलंकार जो है वो है कालंदी कूल कदम की दारण। इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और भाषा बच्चों पहले बताया था आपको, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और छंद इसमें सवैया छंद, जिसकी हर पंक्ति में 22 से 26 के बीच में वर्ण होते, किसी पंक्ति में 23, किसी में 24, किसी में 26, किसी में 22, तो वो कौन सा छंद है, सवैया। तो बच्चों पहला सवैया आपको भली भांति समझ में आ गया है।